फाइनली गाइस 21 अप्रैल को दो मूवी की क्लैश होने वाला है। एक है किसी की भाई किसी की जान और दूसरा है चेंगिज। किसी के भाई किसी की जान में नजर आएंगे आपको सल्लू भाई, पूजा हेगड़े और इस म्यूजिक दिए हैं रवि बासुर, हिमेश रेशमिया, जिसका कुछ दिन पहले एक टीजर आया था। टीजर को तो ऑडियंस काफ़ी पसंद किए थे क्योंकि रवि बासुर का करेक्ट म्यूजिक था। और उसके बाद एक सॉन्ग आया किसी के भाई किसी के जान का, जिसका नाम है नहीं वो लगे था। पूजा हेगड़े एंड सल्लू भाई जिस सॉन्ग पे नजर आए, बट वो सॉन्ग को पब्लिक बहुत ज़्यादा ट्रोल किए सल्लू भाई के ऊपर, क्योंकि उनके डांस उसी तरह का था। फिर अभी एक दूसरा मूवी है जिसका नाम है चेंगिज, जो कि रिलीज हुआ है, जिसका टीजर रिलीज हुआ है हिंदी में, और अभी एक सॉन्ग भी आया है उल्टा उल्टा सॉन्ग जो भी हिंदी में आया है। पहले बात करो, देखो टीजर में किसी के भाई किसी के जान से जो चेंगिज का जो टीजर है वो बहुत ही बढ़िया है, देखने के लिए बहुत ही मस्त लग रहा है और एक मास मूवी। अभी के टाइम पे जो मूवी चाहिए, अभी के टाइम पे बहुत सारा ऑडियंस को मास मूवीज। और किसी की भाई किसी की जान का जो सॉन्ग आया था नहीं वो लगे था, और अभी उल्टा उल्टा सॉन्ग जो आया है चेंगिज का, बाप लेवल का सॉन्ग है ये जो सॉन्ग है चेंगिज का। क्योंकि सॉन्ग में जो जीत सर की जो लुक है वो तो देखने के लिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और कुछ ऑडियंस ये भी कह रहे हैं कि ये जो चेंगिज का उड्डा उड्डा सॉन्ग KGF से रीमेक है। देखो सॉन्ग को देखने में कुछ लग रहा है रॉकी भाई के लुक कुछ लग रहा है जीत सर, मुझे भी लगता है कि ये कुछ रॉकी भाई से कॉपी कर रहे हैं, बट मूवी की स्टोरी पूरा अलग टाइप का होने वाला है। और दूसरी तरफ जो किसी की भाई किसी के जान सल्लू भाई का लुक को देखो, इतना लंबे लंबे बाल, फिर भी मूवी लव स्टोरी है, कुछ फाइट सीन है, बट इतना देखने के लिए इसका टीजर इतना खास नहीं लगा था मेरे को। और इसका सॉन्ग भी बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लगा, सुनने के लिए तो बहुत ही पुराना लग रहा था एंड देखने के लिए भी बहुत बेकार लग रहा था। अभी के टाइम पे जो मूवी आया है चेंगिज, इसका टीजर पूरा कड़क है और इसका जो सॉन्ग उड्डा उड्डा आया है जो कि एक मास लेवल की मूवी है, तो इसी तरह का सॉन्ग ही रहने वाला है। और हम लोग अगर बोलेंगे ये रॉकी भाई से रीमेक है, तो बहुत मूवी अभी मास मूवी आने वाला है, क्योंकि KGF ने बहुत ही सारे इंडस्ट्री को मूवी बनाया सीखा है कि आओ इस तरह का मूवी बनाओ। मास मूवी को ऑडियंस बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो इसको भी देखने के लिए बहुत पसंद कर। किसी की भाई किसी के जान के साथ क्लेश हो रहा है चेंगिज। देखो किसी के भाई किसी के जान को बहुत सारे ऑडियंस देखेंगे, क्योंकि सल्लू भाई इतने साल के बाद बैक आ रहे हैं, उसका अंतिम मूवी आया था वो तो भाई OTT के भी सुपरस्टार हैं, तो उनका मूवी चलने वाला है थिएटर में, चाहे वो खराब हो जाए या फिर कमाल हो जाए, बट मूवी उनका चलने वाला है। उसके साथ टक्कर लेने वाला है चेंगिज। अगर चेंगिज में कुछ भी मतलब कि मिस्टेक रहेगा तो ये मूवी नहीं चलने वाला है। अगर चेंगिज देखो जैसे टीजर आया था, जैसे अभी एक सॉन्ग आया था उड्डा उड्डा, अगर उसी तरह का मूवी रहेगा ना तो मूवी बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा कलेक्शन करेगा, ऑडियंस इसको पसंद करेंगे, दूर दूर से भाग के इस मूवी को देखें। सामने में सल्लू भाई का हालत भी ख़राब हो जाएगा। मैं तो चेंगिज के मेकर्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस मूवी का जो हिंदी डब है वो काफ़ी दम के साथ किया जाए। जैसे कि आपको बताया कि दमन का जो हिंदी डब था संकट महित्रा ने किए थे बाबूसान मोहंती का वॉइस को, बहुत ही काफ़ी बढ़िया तरीके से किए थे। वैसे यहाँ पर जीत सर की जो वॉइस है उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से अगर किया जाएगा तो ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा, हिंदी डब कड़क होना चाहिए। अभी तो वेट करते हैं कि दोनों मूवी का ट्रेलर कब आ जाएगा। मेरे को तो ये लग रहा है कि भाई चेंगिज का ट्रेलर बहुत ही बड़े लेवल का होने वाला है, बहुत ही धमाल मचाएगा। और आपको क्या लगता है कि आप किसी के भाई किसी के जान को देखोगे 21 अप्रैल को या फिर चेंगिज को, ये मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगले एक नई वीडियो में। बाय।